हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया शर्मा। ये बॉलीवुड की खबरें देखते हैं फटाफट। एयरपोर्ट पर मस्ती करते सलमान। हाल ही में सलमान एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। यहाँ उनके चेहरे पर फिल्म की सफलता की खुशी साफ नजर आ रही थी। सलमान के साथ शेरा भी नजर आया और दोनों की मस्ती पहली बार कैमरे में कैद हुई। कलंक के सेट पर घायल हुई आलिया। आलिया भट्ट इन दिनों फिल्म कलंक की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म के सेट पर आलिया को चोट लग गई है। उन्हें सीढ़ी पर फिल्माना था, इसी दौरान पैर फिसल जाने से उनके पैर पर चोट लग गई। आलिया ने डॉक्टरी इलाज के बाद फिर से शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म पानीपत की शूटिंग स्टार्ट। संजय दत्त की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक पानीपत की शूटिंग का समय तय हो गया है। इस खबर की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने ट्विटर पर दी है। ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा है। फिल्म की कहानी पानीपत के युद्ध पर आधारित है। योगा से फिट रहती बॉलीवुड सेलेब। शिल्पा अपने फिटनेस और हेल्थ को लेकर काफी सजग रहती हैं। जूही चावला भी उम्र के इस पड़ाव में अपने आप को काफी मेंटेन रखती हैं। बात योग की हो रही हो, वहां राखी सावंत कैसे छूट सकती हैं? वो भी अपने आप को काफी फिट और मेंटेन रखती हैं। योगा से खुद को मेंटेन रखती हॉलीवुड सेलेब। जेनिफर एनिस्टन अपने फिगर को योगा से मेंटेन करती है। माइली साइरस भी अपने आप को फिट रखने के लिए योगा करती है। लेडी गागा जिम में एक्सरसाइज करने के बाद योगा भी करती है। किम कार्दर्शियां भी रोज योगा करती हैं। साईं बाबा भी करते हैं योगा। शो मेरे साईं में साईं बाबा की भूमिका निभा रहे अबीर सूफी कहते हैं, योग जिंदगी का अलग ही रास्ता बताता है। इसे नियमित रूप से करना चाहिए, ये हमें धैर्यवान बनाता है। हम तो मेरे साईं के सेट्स पर भी योग करते हैं। मलाइका की टफ एक्सरसाइज। मलाइका अरोड़ा अपनी लेटेस्ट तस्वीर में एक मुश्किल एक्सरसाइज पोज को करते हुए नजर आ रही है। मलाइका ने जिस प्लैंक कम लेग रेज पोज को अंजाम दिया है, उसे करने के लिए काफी इंटरनल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। उससे पता चलता है कि ये बॉलीवुड ब्यूटी आंतरिक रूप से भी काफी स्ट्रांग है। रेखा के साथ परफॉर्म करेंगी श्रद्धा। श्रद्धा कपूर ने कहा, मैं रेखा जी के परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड हूँ। वो कितने वर्षों बाद किसी मंच पर डांस करती हुई नजर आएंगी, जो कि मेरे लिए भी एक खास बात है। इसके अलावा मैं भी इसी मंच पर परफॉर्म करने वाली हूँ। पैंट पहना भूली पूनम पांडे। पूनम पांडे बांद्रा इलाके में सिर्फ एक डेनिम शर्ट के साथ ऊंची एड़ी की सैंडल और गुलाबी चश्मे में नजर आई। नशा फेम अभिनेत्री को गुजरते देख आने जाने वाले लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे थे। आयुष्मान की नई फिल्म अंधाधुन। आयुष्मान खुराना एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए एक अलग किरदार में नजर आने वाले हैं। श्री राम राघवन की अगली फिल्म में आयुष्मान खुराना एक अंधे पियानो प्लेयर का किरदार निभाएंगे। बायोपिक में दिखेंगे अनिल और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कपूर जल्द अभिनव बिंद्रा की बायोपिक में नजर आएंगे। उन्होंने कहा, हमारे पास एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता। ये पहली बार है कि मैं अपने पिता के साथ फिल्म करने जा रहा हूँ। गुरदास मान की फिल्म ननकाना। गुरदास मान की फिल्म ननकाना जल्द आ रही है। फिल्म की कहानी 1947 के बंटवारे पर है। ट्रेलर में एक पिता पुत्र की बॉन्डिंग को नजदीकी से दिखाया गया है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में हर चीज को नहीं पा सकता। सीन शूट करते हुए नर्वस थी स्वरा। वीरे दी वेडिंग के मास्टर बेशन सीन के कारण चर्चा में रही स्वरा ने बताया कि इस सीन की शूटिंग बैंकॉक में की गई थी। स्वरा ने कहा कि वो नर्वस थी। उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि वो इसे वल्गर ना बनाए। सीन के बाद स्वरा ने प्रोड्यूसर को मैसेज किया था, सब कुछ अच्छे से हो गया। एक साथ सनी पाजी के दोनों बेटे। सनी देओल जल्द ही अपने बड़े बेटे करण देओल को फिल्म पल पल दिल के पास से लॉन्च करने जा रहे हैं। सनी देओल ही बेटे की इस डेब्यू फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का मनाली में शूटिंग शेड्यूल पूरा भी हो चुका है और इसी के चलते सनी देओल ने बेटों के साथ एक शानदार पोस्ट की है। बिग बॉस में गूंजती आवाज के मालिक। बिग बॉस में आप सभी जिस आवाज को सुनते हैं, वो आवाज असल में अतुल कपूर नामक शख्स की है। अतुल की भारी भरकम लहजे वाली आवाज शो में उनके बोलने का तरीका सभी दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगता है। साथ फेरे लेंगी टीवी के किन्नर बहू। टीवी सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास में किन्नर का किरदार निभा रही रुबीना दिलायक बॉयफ्रेंड अभिनव शुक्ला से 21 जून को शादी करने जा रही। दोनों की शादी शिमला के फेमस गुडविल पैलेस में होगी। बच्चों को उनका बचपन लौटाने की जरूरत। दिव्या ने कहा, बच्चों को उनका बचपना लौटाने की जरूरत है। वो अगर फिल्मों और कार्यक्रमों की शूटिंग के दौरान सेट पर हैं, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी शिक्षा और नींद से कोई समझौता न हो। इसके लिए हम सबको कदम उठाने होंगे। उम्र सिर्फ एक नंबर है।
मेघा चक्रवर्ती अपने ऑन स्क्रीन पति से 4 वर्ष बड़ी हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके लिए उम्र सिर्फ संख्या है। वो कृष्णा चली लंदन में नजर आ रही हैं। इसकी कहानी और कृष्णा की प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें गौरव 22 साल के शख्स की भूमिका में है, जबकि मेघा 26 साल की हैं। एल्बम पर काम कर रही है रिहाना। रिहाना अपनी नई फिल्म ओशन सेट के प्रमोशन के लिए शो ग्रहम नार्थन पर आई थी। एल्बम के सवाल पर रिहाना ने कहा, फिलहाल मैं स्टूडियो में ही हूँ, एल्बम के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, देखते रहिए मायापुरी कट।